हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिव वियर लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे आज कंपनी Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स यहां पे पब्लिश करती हुई नजर आएगी। और यहां पे आप देख सकते हैं अपकमिंग इवेंट के अंदर Q4 अर्निंग कॉल 5:30 PM IST डेट टाइम आपको देखने को मिल रहा होगा, वो आज के डेट का ही है। और प्रीवियस सेशन में अगर हम बात करें तो करीब करीब 260 रुपया पे जाता हुआ नजर आया था कैंपस एक्टिव वियर का शेयर प्राइस। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग होते होते इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिला। एक तरह से अगर हम बात करें तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रहा है। तो होपफुली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कंपनी Q4 क्वार्टर का रिजल्ट है जो यहाँ पे कुछ खास देने वाली है इस बार। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये स्टॉक बेसिकली 5 डेज के अंदर अंदर 1.69% की गिरावट देखने को मिलता है, लेकिन 1 मंथ के अंदर 3.48% की तेजी और 6 मंथ के बात करें तो 9.52% की गिरावट देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक अभी के टाइम पे तो फिलहाल गिरावट ही हुआ है। 5 ईयर्स अगर 1 ईयर की बात करें तो 28% ऑलरेडी स्टॉक टूट चुका है, और 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 23% स्टॉक टूटता हुआ नजर आया है। जो स्टॉक आपको करीब करीब 600 रुपये पे मिला करता था, आज की डेट में आपको मात्र 255 रुपया में शेयर आपको मिल रहा है। दोस्तों तो दोस्तों यहां पे हम चलते हैं, बात करते हैं इसी स्टॉक की, पूरी डिटेल एनालिसिस आपके साथ साझा करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम Q4 को जो एक तरह से जो अर्निंग आने वाला है वो किस प्रकार से हो सकता है उसके अबाउट भी हम बात करें इस वीडियो में। अब हम आते हैं सबसे पहले कैंपस एक्टिव ईयर की, अगर हम कुछ की पॉइंट्स की अगर हम चर्चा करें तो मार्केट कैप इस कंपनी का अगर देखोगे तो 7,770 करोड़ का है। तो मार्केट कैप तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्टॉक का जो पी है एक धीरे धीरे करके ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसको कम होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट में जो गिरावट एक तरह से देखने को मिला उसकी वजह से यहाँ से स्टॉक का जो पी है वो कंटिन्यू एक तरह से इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ अगर हम देखें तो कंपनी की जो ROC या ROE है वो 23% पे आपको देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी बना के देता हुआ नजर आता है कंपनी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो EPS मात्र 2.61 रुपया का देखने को मिलता है, और कंपनी के जो डेप्ट टू इक्विटी है 0.55 का है। यानी मतलब कह सकते हैं कंपनी वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है, और कंपनी एक तरह से इनके पास 327 करोड़ का कर्ज है और 440 करोड़ का यहाँ पे इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। तो रिजर्व ज़्यादा है, डेप्ट इनके पास कम है। बात करें फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू 5 रुपया का, और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे 0% कंपनी डिविडेंड देती हुई नजर आती है। फुटवेयर अगर एथलेजर फुटवेयर ब्रांड्स की नाम देखें तो यहाँ पे कैंपस एक्टिव वियर का नाम आता है, जो डोमेस्टिक ब्रांड है एक तरह से। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो फुटवेयर में ये बेसिकली रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, सैंडल्स, ये सब सारी चीज़ें मल्टी कलर में, मल्टी शेप एंड साइज में अवेलेबल है इस कंपनी के पास। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कंपनी है जो बेसिकली 2008 में स्टेब्लिश होती हुई नजर आई और बहुत तेज़ी से अपनी मार्केट में पकड़ बनाई। करीब करीब अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स एंड एथलेजर फुटवेयर मार्केट में 17% का इनका मार्केट शेयर देखने को मिलता है फिलहाल। यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर देखें तो 6 का रेटिंग दिया गया है, तो एक अच्छी खासी यहाँ पे रेटिंग भी है। FIS एंड DIS की जो होल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है ये भी अच्छी खासी होल्डिंग है। लेकिन देखने वाली बात है कि FIS DIS इस स्टॉक के अंदर अभी के टाइम पे क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो FIS है वो यहाँ पे बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं, DIS है वो यहाँ पे कंटिन्यू खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुल मिला के जो एक तरह से पब्लिक जो होल्डिंग है वो कम होता हुआ नजर आया है, और यहाँ पे अगर हम देखें जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट एक तरह से बरकरार है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपको चीज़ें देखने को मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जो Q4 क्वार्टर की रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो सितंबर क्वार्टर की या दिसंबर क्वार्टर के पहले की बात करें तो यहाँ पे एक तरह से कंपनी का जो ग्रोथ है वो उतना अच्छा नहीं दिखा पाई है। कंपनी का एक तरह से
सेल्स तो बढ़ा है, आप देख सकते हैं दिसंबर में 466 करोड़ से सेल्स बढ़ के 472 करोड़ हुआ, लेकिन प्रॉफिट घट के 48 करोड़ से सीधा 25 करोड़ पे आ गया। तो कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। रीज़न बिहाइंड क्या है, इनकी मार्जिन 20% से मार्जिन घट के 12% मार्जिन हो गया था। इसी तरह से आप सितंबर क्वार्टर में देखें तो 15 करोड़ से जो इनका प्रॉफिट घट के 0 करोड़ यानी 48 लाख पे आ गया था, फिलहाल तो यहाँ पे करोड़ में आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 0 करोड़ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 13% जो मार्जिन था वो घट के यहाँ पे 9% होता हुआ नजर आया था। तो मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो रॉ मटेरियल इनके हैं जो एक तरह से काफ़ी कॉस्टली हो रखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है और इनकी मार्जिन के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्च क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 348 करोड़ कंपनी ने सेल्स किया था पिछले साल, जो इस बार 400 करोड़ के करीब करीब सेल्स करती हुई नजर आ सकती है। मार्जिन में गिरावट देखने को मिल सकता है करीब करीब, अगर हम बात करें तो 10% से 12% के बीच में मार्जिन आपको देखने को मिल सकता है। प्लस जो इनकी जो नेट प्रॉफिट है वो भी गिरता हुआ नजर आ सकता है करीब करीब, हम बात करें तो 15 करोड़ के करीब करीब इनका नेट प्रॉफिट आता हुआ नजर आ सकता है। तो एक तरह से यहाँ पे इनके मार्जिन में भी गिरावट और यहाँ पे प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन देखना होगा कि आज कंपनी Q4 अर्निंग देती है तो यहाँ पे किस प्रकार रिजल्ट देती है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चलिएगा दोस्तों, जिससे आने वाला अपडेट आपको इमीडिएटली मिल जाए। और साथ में यहाँ पे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, आप अपने एनालिसिस के आधार पे ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इनकी बोरोइंग है जो एक तरह से कम होती हुई नजर आई है और रिजर्व इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। कंटिन्यू अपनी रिजर्व को बढ़ा रही है कंपनी। इक्विटी कैपिटल की अगर हम बात करें तो 153 करोड़ का देखने को मिल रहा है और CWIP में भी कंपनी कंटिन्यू यहाँ पे माइनर अमाउंट में वर्क करती हुई नजर आती है। लेकिन कंपनी के जो टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करें तो ये सारी चीजें कंपनी का इम्प्रूव हो रहा है टाइम टू टाइम, लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे कंपनी Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स में किस प्रकार से रिजल्ट्स देती है, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि इसका जो टारगेट प्राइस है वो कहाँ तक जा सकता है। अगर यहाँ पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स अच्छा नहीं रहा तो ऑलमोस्ट इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकता है करीब करीब, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 220 रुपये के करीब करीब आपको जाता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ पे इस स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकता है फिलहाल। तो कैंपस एक्टिव ईयर के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, लेकिन किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होगा दोस्तों।